तो हमारे पास आ गई आज Realme की पहली कॉलिंग वॉच जिसका नाम है Tech Life Watch R100 करके। Realme वॉच अभी भी लॉन्च 350 के प्राइस पॉइंट पे। इंटरेस्टिंगली मुझे अच्छी लगी वॉच दिखने में, तो मैंने सोचा कि इसको बुलाकर ट्राई करते हैं कि कॉम्पिटिशन में Firebolt और Noise की काफ़ी सारी वॉचेज आ जाती हैं, बट ये वॉच कितनी इंटरेस्टिंग है क्योंकि Realme एक ट्रस्टेड ब्रांड है, तो हमने सोचा कि ट्राई करके देखते हैं। तो वॉच को खोलते हैं, फटाफट डब्बा देखते हैं, डब्बे में क्या देखने को मिलता है। और एक हफ्ते बाद वीडियो बना रहा हूं, मतलब मैंने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया है, तो पूरा देखना वीडियो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो डब्बे में टॉप पर तो बड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह कर रखी है, साइड में आपको कुछ हाइलाइट्स मिल जाते हैं। अगर जैसे इसको साइड से आप ओपन करोगे तो पैकेज को निकालते ही आपको टॉप पे आपकी जो है वॉच मिल जाएगी। और वॉच को मैंने रख दिया सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अब यहाँ पे अगर दूसरी चीज़ों की बात करें हम लोग, तो आपको एक केबल मिल जाएगी पोको पिन वाली चार्जिंग के लिए, साथ में रियलमी का वो ये कार्ड आता है जिसमें आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है और इसमें वारंटी भी आपको मिल जाती है एक साल की। तो बात करें अगर वॉच के बारे में, तो डिज़ाइन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। वो अगर आपने सैमसंग गैलेक्सी की पुरानी वाली वॉचेस देखी ना, तो कुछ उस तरह का फील देती है वॉच। मेटेलिक लुक के साथ आपको ये टॉप पे एल्युमिनियम बेजल दे रखी है जो बहुत अमेजिंग दिखती है। साथ में दो बटन ऑपरेटेबल है और आप देखो क्लोजरीज का जो लुक है वो काफ़ी सही दिखता है। इवन जो एक जो हल्का सा बम्प है ना, ये जो रिंग का आप देख रहे हैं, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है इस वॉच को। साथ में स्ट्रैप दे रखे हैं जो कि आपको 22mm के देखने को मिलते हैं, जिनको आप चेंज भी कर सकते हो, पिन वाले ही मिलते हैं। अगर मार्केट में लग रहा है आप चेंज करना चाहते हैं तो हो जाएगा। आप पीछे देखेंगे सेंसर वगैरह दे रखे हैं, और इस तरफ आप देख सकते हैं कि स्पीकर ग्रिल दे रखी है, और इधर छोटा सा होल दे रखा है माइक्रोफोन के लिए। तो वॉच का डिजाइन और लुक काफी अच्छा लगा। आप सर्कुलर डायल के फैन हैं भाई, तो आप लोगों को काफी मजा आएगा इस वॉच के साथ में। पर अगर बात करें यहाँ पे इसका हार्डवेयर को लेकर, तो यहाँ पर आपको 1.32 इंच का TFT पैनल देखने को मिलता है, जिसकी ब्राइटनेस जो है 450 nits है। इनफ ब्राइटनेस मिल जाती है। आउटडोर में एक्सिम सेलेक्ट में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएंगी, बट काफी हद तक जो इसका डिस्प्ले विजिबल हो जाता है आपको। यहाँ पे जो पिक्सल डेंसिटी है वो 360x360 देखने को मिलती है, जो कि काफी इनफ है, और चीजें काफी क्रिस्प आपको देखने को मिलती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इस वॉच में वेक गेस्चर भी दे रखा है, तो जैसे आप टच स्टप करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली जो वॉच का डिस्प्ले ऑन हो जाता है। AOD वगैरह नहीं है इसमें, क्योंकि AMOLED पैनल यहाँ पे यूज नहीं किया। बाकी काफी सारी ऐसी वॉचेस आने लगी जिनमें ना AOD देते हैं बिना AMOLED होने के बावजूद भी, तो काफी अच्छा डिस्प्ले, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। वहीं अगर बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें, तो कंपनी का क्लेम है कि 7 दिन तक चल जाएगी, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इस वॉच के साथ, 2 से 3 दिन के बीच आपको ये परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि इसमें कॉलिंग वाला जो फीचर है वो कहीं ना कहीं बैटरी जो है ज्यादा कंज्यूम करता है। अब अगर सेंसर्स की बात करें, तो सारे जो आपको एसेंशियल सेंसर है वो प्रोवाइड कर रखे हैं। आपका SPO2 आपको मिल जाएगा, आपका HR मिल जाएगा, और एक्सेलेरोमीटर सेंसर जो आपकी मोशन एक्टिविटी है ट्रैक करने के लिए वो भी यहाँ पे दे रखा है। बाकी जैसे अगर वॉच की मैं UI की बात करूँ, तो मैं पर्सनली बहुत इंप्रेस हुआ। सिंपल सी UI है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ टफ करने की कोशिश नहीं करी उन्होंने वॉच के साथ में। सिंपल UI देखने को मिलती है। टॉप से सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो है आपकी देखने को मिल जाती है। नीचे सब्सक्राइब करने पे आपके जो भी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि D&D मोड है, वेक गेस्चर अगर आपको ऑन ऑफ करना है, टॉर्च वाला फीचर है, ब्राइटनेस कंट्रोल है, वो सभी चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपरली दे रखी है। और सेटिंग्स में जाकर तो स्क्रीन ऑन टाइम बढ़ा सकते हो आप, इवन जो रिंगटोन वॉल्यूम है उसको बढ़ा सकते हो, वाइब्रेशन की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकते हो। तो काफी सही लगी मुझे यहाँ पे UI। और अगर आप दूसरी चीजें देखना चाहते हो, तो साइड सब्सक्राइब करने पे तो आपको ट्रैकिंग वगैरह देखने को मिल जाएंगे, आपकी हार्ट रेट, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, वेदर इन्फॉर्मेशन, म्यूजिक कंट्रोल वगैरह। इधर साइड से करोगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट देखने को मिलता है, जो अपने रिसेंट जो यूज करें वो आप यहाँ पे जो है एक्सेस कर पाओगे। सेंटर टच पे जो है कुछ वॉच फेसेस यहाँ पे जो है वॉच में अवेलेबल कर रखे हैं, उनको आप इजीली स्विच वगैरह कर सकते हो। तो पर्सनली मुझे इसकी UI काफी अच्छी लगी, बट हल्का सा इसमें आपको लैग देखने को मिलता है, बस वो एक थोड़ी सी चीज यहाँ पे मैटर करने वाली बात है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे इसके फीचर्स को लेकर, तो यार फीचर्स काफी सही आपको मिल जाते हैं। सबसे बड़ा जो हाईलाइट है उसका है 100 स्पोर्ट्स मोड। आपको 100 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं वॉच पे, तो कुछ ही आपको देखने को मिलते हैं। बाकी एप्लीकेशन से जाकर आप एड ऑन कर सकते हो, आपको जो भी पर्सनल ऐड करना है तो वो आपको यहाँ पे अवेलेबल कर रखा है। अब इसकी मेन फीचर यानी कॉलिंग वाले फीचर की मैं बात करूँ, तो भाई कॉलिंग वाला फीचर काफी सही आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर ना इसके जो मेन्यू दे रखा है उसमें आपको भी नॉर्मल वाला, जैसे कि आप डायल पैड दे रखा है, और आपके जो कॉन्टेक्ट वगैरह आपने ऐड कर रखे हैं वो आपको दिख जाएंगे। इवन जो कॉल हिस्ट्रीज है, मतलब जो फोन पे आपको कॉल आए वो भी आप वॉच में देख सकते हो, तो काफी सही है। और यहाँ पर हम लोग एक क्विक टेस्ट कर लेते हैं कि किसी की परफॉर्मेंस इसके जो है माइक्रोफोन दे रहे हैं। तो मैंने फटाफट से मेरे भाई को फोन लगाते और टेस्ट करते इससे कॉलिंग वाले फीचर को, तो कॉल हिस्ट्री में उसका नाम दिख रहा है, लगा दिया मैंने उसका फोन। हेलो हेलो, हाँ अनुज, आवाज कैसी आ रही है वॉच की? डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रहा है, हवा की आवाज ज्यादा आ रही है, तो स्पीकर क्वालिटी मुझे कम ही लग रही है, कोई ज्यादा लाउड नहीं बार में शायद इसमें। कुछ बोल अच्छा, ऐसा ठीक है। तो मुझे पर्सनली कॉल क्वालिटी काफी डिसेंट लगी, स्पीकर थोड़े से लो हैं, मतलब क्लोज ही रखना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको सुनाई देगा प्रॉपरली। अब इस वॉच का सबसे बड़ा जो USP था वो है Alexa वाला फीचर, तो इसमें आपको Alexa बिल्ट इन देखने को मिलता है। और फोन कनेक्टेड रहेगा तभी प्रॉपरली वर्क करता है, अगर नहीं कनेक्टेड तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉपर मैसेज देता है। बट कुछ हम लोग कमांड्स वगैरह ट्राई करते हैं कि Alexa यहाँ पे वर्क कैसे करता है। तो लॉग इन करने के बाद अपने अकाउंट में लॉग इन कर लो, जो भी आपका Alexa अकाउंट है। अब यहाँ पे कमांड देते हैं, व्हाट इज द वेदर राइट नाउ? It's 25 degrees Celsius with cloudy skies.
तो कुछ इस तरह के कमांड्स वगैरह ये देता है और इसमें स्पीकर दे रखा है तो उससे आपको आवाज़ भी सुनाई देती है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ लिमिटेड चीज़ें आपको देखने को मिलती है। आप इस वॉच से कॉल वगैरह, अलेक्सा से आप कॉल वगैरह नहीं कर पाओगे, बट यहाँ पर रिमाइंडर सेट कर सकते हो, अलार्म वगैरह सेट कर सकते हो और कुछ बेसिक जनरल नॉलेज क्वेश्चन अगर आप पूछते हो वॉच से तो वो आपको यहाँ पर बकायदा रिप्लाई करती है। तो काफ़ी अच्छा फीचर है और एक वॉच के हिसाब से मुझे पर्सनली ये काफ़ी सही लगता है। अब इसके अगर फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसके जो मोशन ट्रैकिंग वाला जो चीज़ होता है, यानी कि आपने कितने स्टेप्स चले हैं, कितनी कैलोरीज वगैरह बर्न करी हैं, तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था। अगर आपने इसको हाथ में पहन रखा है और एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो काफ़ी सही है। बट एक चीज़ ये है कि अगर बहुत ज़्यादा बैठे बैठे भी अगर मोशन कर रहे हो ना तो ये उसको भी रिकॉर्ड कर लेता, तो थोड़ा सा उसको लेके कंसर्न है मेरे लिए। ऐसा रीडिंग जो है काफ़ी सही आपको देखने को मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर। मुझे पर्सनली इसका जो रीडिंग है वो काफ़ी क्लोज टू क्लोज लगा मेडिकल के इक्विपमेंट के मुकाबले। बट यहाँ पर एसपीटो को लेकर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर इस वॉच को देखें तो वही 97 to 99 की रेंज में दिखाता है। ये जो मिड रेंज बजट वॉचेस होती है इनका थोड़ा सा ये इशू रहता है कि जो इनका एसपीटो है वो 97 to 99 के बीच में ही आपको दिखाता है। और मेरा जो बस सजेशन ये रहता है कि अगर आप इसको सॉफ्टवेयर पार्ट पर टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपने फिंगर पर टेस्ट किया है या फिर इधर आपने टेस्ट किया है तो काफ़ी एक्यूरेट आपको देखने को मिलेगा, बट अगर आप हार्डर साइड पर टेस्ट करने की कोशिश करोगे ना तो कम दिखाता है, तो वो थोड़ा सा कंसर्न आता है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ आप मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट का यूज करें अगर आपको एसपीटो वगैरह या बीपी वगैरह इस चीज़ को टेस्ट करना है। वॉचेस पे उतना रिलाय मत कीजिएगा। बाकी जैसे अगर दूसरे फीचर्स को लेकर बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्लॉक वाले फीचर में 3-4 चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आपको टाइमर दिख जाएगा, स्टॉप वॉच मिल जाएगा, अलार्म मिल जाएगा और इवन वर्ल्ड क्लॉक वाली चीज़ भी जो है इन्होंने इस वॉच में ऐड कर रखी है, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर मैं रिमाइंडर्स वगैरह सेट कर सकते हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो तो आप थोड़ी सी ब्रेथ ट्रेनिंग यहाँ पे कर सकते हो और स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी दे रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्लिप मॉनिटरिंग भी अवेलेबल कर रखा है। स्लिप मॉनिटरिंग अगर मैं बात करूँ पर्सनली तो थोड़ा जो ट्रैकिंग है वो मुझे उतना एक्यूरेट लगा नहीं, क्योंकि मेरी लास्ट नाइट की जो स्लिप है उसने रिकॉर्ड नहीं करी, उससे पहले वाली उसने कर रखी है। तो कभी कभार ट्रैक करता है, कभी ट्रैक नहीं करता, तो मैं उतना रिलायबल इसको कंसिडर नहीं करूंगा स्लिप मॉनिटरिंग को। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि वाटर रेटिंग जो इस वॉच की वो है IP68, यानी कि अगर आप इस वॉच को पानी वगैरह में ले जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग भी थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं इस वॉच को, कुछ देर के लिए हम लोग यहाँ रख देते हैं और इससे कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन जो है आपको यहाँ पर रियलमी टेक लाइफ की जो एप्लीकेशन है रियलमी वेयर करके देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले पेज पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अपने कितने स्टेप्स चले हैं, कितनी कैलोरीज बर्न करी, सारी डिटेल आपको मिल जाती है यहाँ पर। एक्सरसाइज वाले इवन सेक्शन में अगर आप आते हो तो यहाँ पर जो GPS है, इनकी बिल्ट इन GPS नहीं दे रखा है वॉच में, जो मोबाइल का GPS है उसको यूज़ करता है और आपको सारी ट्रैकिंग दिखाई है आपने कहाँ कहाँ मूव किया है। कस्टम वॉच फेस वाला ऑप्शन भी आपको दे रखा है और 100+ आपको वॉच फेस यहाँ पे मिल जाते हैं। इवन अपना कस्टम वॉच फेस भी आप लगा सकते हो, नोटिफिकेशन वगैरह आप एनेबल कर सकते हो, आपको जिन एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। साथ में आपको दूसरी और चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि हेल्थ ट्रैकिंग की हम लोग बात करें तो आप हार्ट रेट अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि मैक्सिमम रेट क्या होना चाहिए और कब आपको नोटिफिकेशन देगा, लोअर पे भी आप सेट कर सकते हो। सेम आप स्ट्रेस के लिए SPO2 और वाटर रिमाइंडर वगैरह के लिए भी सेट कर सकते हो। और यहाँ पर फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग वाला फीचर भी दे रखा है, तो वो आपको एप्लीकेशन से ऑन करना पड़ेगा और सभी आप जो ट्रैकिंग है फिर वॉच पे भी देख पाओगे। बाकी और भी फीचर्स अवेलेबल कर रखे हैं एप्लीकेशन के थ्रू, आप उसमें चेकआउट कर सकते हो। थर्ड पार्टी ऐप यानी कि एप्पल हेल्थ का सपोर्ट भी जो है आपको यहाँ पे ऐप में मिल जाता है। अब अगर वॉच की हालचाल हम लोग देखें तो अभी मेरे हिसाब से ये वॉच वर्किंग कंडीशन में भी है, बिल्कुल चल रही है, पीछे सेंसर भी इसके जो है ग्लो कर रहे हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको पानी में ले आ सकते हो। तो फाइनल कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ इस वॉच को, तो 350 रुपये के प्राइस पॉइंट पे एक जो मुझे कमी लगी वो है एमोलेड को लेकर। अगर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे इस वॉच में मिल जाता तो मेरे हिसाब से वॉच काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कॉलिंग वाला फीचर काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। बॉडी का जो डिज़ाइन है जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है, बस अगर एमोलेड हो जाता तो मज़ा आता। खैर फिर भी अगर आप इस वॉच को चेकआउट करना चाहते हैं, अगर आप रियलमी के फैन हैं तो भैया लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ज़्यादा बस ये कहूँगा कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के जरूर से शेयर करना, और प्लीज कमेंट नहीं आ रहा आजकल आपके तो कमेंट जरूर से करना, कि जब भी आपके प्यारे वाले कमेंट आ देना बड़ी खुशी मिलती है मुझे। बाकी मिलते हैं जब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिटन रहेगा इंदौर एक्सप्लोर के साथ।